दशहरा और आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और इनके तरफ से भी। तो ये लगा रहे हैं अभी, ये धान वाला जो हार है ये बहुत शुभ होता है दशहरे के दिन दरवाजे पे लगना। तो मेरा पूजा पाठ और हार लग गया है दरवाजे पे। तो बस अभी मैं जाऊंगी उल्लासनगर और वहाँ पे जो हमारी मशीनें हैं उनको भी मैं सबको साफ़ सफाई करके हार फूल लगाऊंगी अच्छे से। और आज के नाश्ते में बन रहे हैं ब्रेड पकोड़े। तो ये आलू की स्टफिंग मैंने सब ब्रेड पे लगा दी है। अब मैं इसको ऐसे ढक के और बीच में से क्रॉस कट करूंगी और बेसन में डिप करके फ्राई करूंगी डीप फ्राई। तो डीप फ्राई से क्या है, फटाफट हो जाएंगे, ज़्यादा तेल नहीं लगेगा, फास्ट गैस पे करूंगी तो मैं। और शैलो फ्राई में मुझे लग रहा है बेसन अच्छे से पकेगा नहीं इसलिए। तो यहाँ पे तले जा रहे हैं गर्मा गर्म ब्रेड के पकोड़े। आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। और बाहर बच्चों ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है और आप हाथ देख के समझ गए होंगे कौन बना रहा है, मेरे मिस्टर बना रहे हैं। तो चलो मैं बच्चों को और दे देती हूँ। मशीनों की पूजा करने, तो हमारे लेबर्स को हमने आज छुट्टी दी है, वो आए पाव पढ़ के गए, हमको विश करके गए। तो अभी मेरी हो गई है पूजा, मैंने यहाँ पर हार वगैरह ऐसे सब चढ़ा दिया है। और मेरे पास छोटे से बप्पा हैं, ये जो मैंने कराटे के ड्रेस बना के जो गणपति में रखे थे तो उन्हीं की मैंने यहाँ पर पूजा की है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर बिठाया है और उन्होंने ही कराटे ड्रेस पहना है। ठीक है, तो आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है पर्पल कलर, तो मेरे पास पर्पल कलर में ये मिलती जुलती एक साड़ी थी तो मैंने ये डाली है, क्योंकि ज्यादा हैवी डालने नहीं हो रहा, दिन में बहुत गर्मी लगती है इसलिए। बाकी एक पर्पल मेरे पास थोड़ी हैवी थी, मैंने वो नहीं डाली तो मैंने ये वाली डाली। क्या कर रहे हैं अन्ना, प्रेस कर रहे हो? हाँ, प्रेस कर रही हूँ। हैप्पी दशहरा बोलो। हैप्पी दशहरा। आज अन्ना एकदम ऐसे पंडित जैसे बन के आए। ऐसे अलमारियों में हम लोग कराटे ड्रेस लगा के रखते हैं, देखो स्टिच करके प्रेस करके पैक करके यहाँ पर अंदर तक ये सारे। एक्चुअली अभी थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है, जब चलेगा तब और थोड़ा हम लोग इधर काम करवाने वाले हैं, लाइट वगैरह अंदर कबर्ड में लगाएंगे। तो अभी एक से दो महीने ही हुए चालू करके, तो यहाँ पर ऐसे कुछ बैट वगैरह ये सब सामान रखा है और बाकी इसमें ऐसे रहते हैं। अंदर लाइट लगवाना है कबर्ड में, ये ऊपर ना सिक्योरिटी के कपड़े हैं और ये कराटे के कपड़े और वो साइड भी सब नंबर वाइज कपड़े रखे हैं। और ये सारा माल सिल के रखा है, इसको प्रेस करना है, पैकिंग करना है यहाँ पर। तो आज जैसे कि काम बंद है तो
अभी देखते हैं कल काम होगा।